हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको माता लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक निर्धन व्यक्ति था, वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करता। एक बार दिवाली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। कहते हैं कि उसकी आराधना से लक्ष्मी प्रसन्न हुई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसी एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलिशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वह भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे? बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट टपट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आश्रय नहीं है, इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाऊँगी, थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन इसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी जलकर खाक हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आँख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थी, जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिरगिरा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आँखों से ओझल हो गई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इंसान को कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने जितना हमें दिया है, हमें उतना ही में खुश रहना चाहिए।